हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर इन गुड हेल्थ। आई वेलकम यू ऑल टू द SSS यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि हमने एक MCQ सीरीज स्टार्ट की है रिगार्डिंग द फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज हम इस MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम विद अवर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है, टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड। आपको बताना है कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए हम किन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हमारे कंप्यूटर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके बगैर हमारा कंप्यूटर जो है वो प्रॉपरली नहीं चल सकता। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर्स दैट वी यूज़। उसके बाद अगर हम देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये वो वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हमने डिज़ाइन किया हुआ होता है किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए। और अगर हम इनको इंस्टॉल करें या ना करें, सिस्टम की परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल आप ले लो कोई भी गेमिंग सॉफ्टवेयर। उसके बाद अगर हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स की बात करेंगे तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ मेंटेनेंस। ओके, मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। एज एन एग्जाम्पल आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ले सकते हो या आप बैकअप सॉफ्टवेयर्स ले सकते हो, दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। लेकिन जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कौन कंट्रोल करता है, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 सेज अस दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड। अगर कंप्यूटर को आउटर वर्ल्ड के साथ, बाहरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट करना है तो उस पर्पज़ के लिए हम किन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज IO डिवाइसेस। अगर बाहरी दुनिया से कुछ भी कंप्यूटर को लेना है तो हम इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे एंड वाइस वर्सा। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ रेडिक्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज। आपको बताना है रेडिक्स का वैल्यू बाइनरी नंबर्स में क्या होता है। सबसे पहले आपको टर्मिनोलॉजी से कंफ्यूज नहीं होना है, रेडिक्स मतलब होती है बेस। ओके, आपको यही बताना है कि बाइनरी नंबर्स की जो बेस होती है वो क्या है। आपको पता है बाई मीन्स 2, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर 1001011। आपको इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। तो हम कल वाली ट्रिक फिर से इस्तेमाल करेंगे, मैजिक नंबर्स की ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, नंबर लेंगे 100 101 एंड 1। अब हमें क्या करना है, मैजिक नंबर्स का इस्तेमाल करना है। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से 1, फिर नंबर को डबल करते चले जाएंगे 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 8, फिर आएगा 16, फिर आएगा 32, फिर आएगा 64। ओके, अब हमें उन नंबर्स को, उन वैल्यूज़ को कैंसिल करना है जिनके कॉरस्पॉन्डिंग 0 आ रहा है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे 0 डिजिट आ रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रहा है, 32, तो इसको हम कंसिडर में नहीं लेंगे। यहाँ पे भी वैल्यू या डिजिट आ रहा है 0, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 16 आ रहा है, इसको भी हम कैंसिल करेंगे। और 4 को भी हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ठीक है ना, अब जितने भी बाकी बचे हुए वैल्यूज़ हैं, उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करते चले जाएंगे हम, 64 + 8 कितना हो गया, 72, प्लस 2 हो गया 74, प्लस 1 हो गया 75। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 75। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को बाइनरी में, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको बस मैजिक नंबर्स याद रखने हैं। ओके, होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
कल थोड़े बहुत स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन आ रहा था, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा होपफुली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट डज RAID स्टैंड फॉर। आपको RAID की फुल फॉर्म बतानी है। सो द RAID स्टैंड्स फॉर ऑप्शन नंबर ए रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ओके एज इट इज आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज की जा रही है एरे। एरे क्या होता है? एरे सिंपली एक डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम सेम टाइप सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर पाते हैं। ओके बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। आपको बताना है कौन सा कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज IQ। कंप्यूटर का IQ लेवल नहीं होता है कुछ भी, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर खाली वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर देता है जो कि हमने उसको बोला होगा परफॉर्म करने के लिए, ठीक है ना, थ्रू कमांड्स, ओके, या थ्रू प्रोग्राम्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेवन सेज अस दैट कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड इंटरनल स्टोरेज टू द CPU आर। मैंने आपको कल बताया था अगर आप CPU के कंपोनेंट्स देखोगे तो वहाँ पे कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, और स्टोरेज के लिए हम वहाँ पे किन का इस्तेमाल करते हैं? रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर एट को देखते हैं क्या है। पंच कार्ड्स वेर यूज्ड एज, आपको बताना है पंच कार्ड्स का इस्तेमाल हम किस पर्पज़ के लिए करते थे। सो अगर आपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगी पंच कार्ड्स यूज होते थे एज इनपुट डिवाइसेस। ओके सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर एट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन के बारे में। क्वेश्चन नंबर नाइन सेज अस दैट जावा इज अ, जावा क्या है? तो मैं सिंपली आंसर आपको अगेन बता देता हूँ। जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर नाइन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन के बारे में। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एन एल्गोरिदम टू ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन टू मेक इट रीडेबल अनरीडेबल फॉर अनऑथोराइज्ड यूजर्स। आपको बताना है अगर आपके पास कोई भी टेक्स्ट है, जनरल टेक्स्ट को हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट, ओके, अगर आपके पास प्लेन टेक्स्ट है और आप चाहते हो कि कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र इसको रीड नहीं करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस पे एक एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं और उन एल्गोरिदम्स को हम बोलते हैं एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स, ठीक है ना, एनक्रिप्ट करते हैं इसको और ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, साइफर टेक्स्ट में, साइफर टेक्स्ट में, ठीक है, ओके। तो हम कौन सा एल्गोरिदम इस्तेमाल करते हैं डेटा को अनरीडेबल बनाने के लिए? द एल्गोरिदम और द टेक्निक इज नोन एज एनक्रिप्शन। फाइन, बाद में अगर हमें साइफर टेक्स्ट को वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा तो हम डिक्रिप्शन वाले एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट देन अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज एनक्रिप्शन। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। द फुल फॉर्म ऑफ IMEI इज, आपको पता है हर एक मोबाइल का एक IMEI नंबर होता है। अब हमें इसकी फुल फॉर्म बतानी है तो मैं फिर से डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। IMEI स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। आइडेंटिफाई अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के रिगार्डिंग देखना है चार ऑप्शंस में से कौन सा फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर ए से हम स्टार्ट करेंगे। प्राइमरी मेमोरी इज टेम्परेरी वाइल एज सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंट। ये तो बिल्कुल सही है, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। हमें ऑलरेडी पता है प्राइमरी मेमोरी क्या है, वोलाटाइल, वाइल एज सेकेंडरी मेमोरी क्या है, नॉन वोलाटाइल। ओके ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। CPU ऑलवेज एक्सेसेस डेटा इन प्राइमरी मेमोरी ओनली। ये पॉइंट मैंने आपको कल भी समझाया था, जब भी CPU को किसी भी डेटा की डिमांड होती है तो वो उसको एग्जीक्यूट फैच करता है कहाँ से, प्राइमरी मेमोरी से। अगर वो डेटा हार्ड डिस्क में होगा तो वो डेटा पहले हमें लोड करना पड़ता है प्राइमरी मेमोरी में, तब जाके CPU उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, करेक्ट है, ट्रू है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं।
कंटेंट अवेलेबल इन सेकेंडरी मेमोरी शुड बी लोडेड टू प्राइमरी मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। ये भी बिल्कुल सही है जो अभी 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 मैं आपको बता रहा था। जब भी किसी भी चीज़ को हमें एग्जीक्यूट करना होगा तो वो हमें सेकेंडरी मेमोरी से क्या करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा, कहाँ पे, प्राइमरी मेमोरी में। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ अगेन करेक्ट। लेकिन ऑप्शन डी की अगर हम बात करेंगे, कॉस्ट पर बाइट ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज़ लेस, तो ये आप यहीं पे समझ सकते हो प्राइमरी मेमोरी का कॉस्ट पर बिट क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। तो फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे खाली एक आ रहा है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। और इस पॉइंट पे मैंने कल भी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देने की कोशिश की थी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। आपको बताना है कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम, ओके, जो कि पूरे के पूरे प्रोग्राम को एट वन गो कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को एंटायरली कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। वाइल एज अगर आप इंटरप्रेटर देखोगे वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है और लाइन बाय लाइन प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशंस वैक्यूम ट्यूब्स वेयर यूज्ड। आपको बताना है कंप्यूटर जनरेशंस, किस कंप्यूटर जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट जनरेशन। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। Which of the following statement is wrong? हमें क्या करना है, wrong statement को identify करना है। Starting with option number A, Photoshop is a graphical design tool by Adobe. आपने देखा होगा इसका actual नाम क्या है, Adobe Photoshop, और ये क्या है, it is a graphical design tool. So option number A तो बिल्कुल correct है। Option number B की अगर हम बात करेंगे, Linux is free and open source. Yes, exactly. Linux एक free operating system है और ये open source भी है। Open source softwares कौन से होते हैं, इनके बारे में हम आने वाले classes में discuss करेंगे। उसके बाद अगर हम option number D की बात करेंगे, पहले Windows XP is an operating system. आपने देखा होगा आजकल भी जो पुराने systems हैं उन पे Windows XP चलता है, ठीक है। तो Windows XP क्या है, ये एक operating system है। सो ए बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस। लेकिन रॉन्ग यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, लिनक्स इज ओनड एंड सोल्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि इन स्टेटमेंट्स में से क्या है, रॉन्ग। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। द सर्किट यूज टू स्टोर वन बिट ऑफ डेटा इज नोन एज। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा सर्किट होता है जो कि कैपेबिलिटी रखता है एक बिट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए। ओके, तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप्स ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनमें हम एक बिट को स्टोर कर पाते हैं और बाद में हम क्या करते हैं, इन्हीं फ्लिप फ्लॉप्स को कंबाइन करते हैं और बड़े बड़े सर्किट्स बन जाते हैं फिर, ठीक है ना। रजिस्टर्स, काउंटर्स वगैरह वगैरह क्या होते हैं, उनमें हमने क्या लिया हुआ होता है, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स को कंबाइन किया हुआ होता है। समझ में आ रही बात। अब फ्लिप फ्लॉप्स के बहुत सारे टाइप्स भी आ जाते हैं आगे, जे के फ्लिप फ्लॉप आता है, एस आर फ्लिप फ्लॉप आता है, टी फ्लिप फ्लॉप आता है, डी फ्लिप फ्लॉप आता है, बट देन वो हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फॉर नाउ आप याद रखोगे वो डिवाइस जो कि खाली एक बिट को स्टोर कर पाता है वो कौन सा है, दैट इज फ्लिप फ्लॉप। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 17। विच अमंग द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज अ यूनिवर्सल गेट। आपने देखा होगा लॉजिक गेट्स एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। लॉजिक गेट्स का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये वो छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं जिनकी मदद से हम बूलियन एक्सप्रेशंस को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, ठीक है ना। और लॉजिक गेट्स हमारे पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक और है, नॉट है, एंड है, नॉर है, नैंड है, एक्सोर है, एक्सनॉर है, बहुत सारे लॉजिक गेट्स के टाइप्स आते हैं। लेकिन इनमें से दो गेट्स को माना जाता है यूनिवर्सल गेट्स। वन इज नैंड, नैंड भी एक यूनिवर्सल गेट है और नॉर भी एक यूनिवर्सल गेट है। तो इन दोनों में से हमारे ऑप्शंस में कौन सा आ रहा है, नॉर। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में।
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटीज में नहीं आता है. मेमोरी मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. डिस्क मैनेजमेंट इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. फाइल मैनेजमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन फंक्शनैलिटीज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, वाइल एज वायरस प्रोटेक्शन इज नॉट द फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ये जो मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं ना, ये अपने आप में ही बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं. फाइन, जो आपने कभी कभी टर्म्स सुनी होगी, पेजिंग, सेगमेंटेशन, वो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक के अंदर ही आती है. समझ में आ रही बात? सो हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताना था कि कौन सा इनमें से मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी नहीं है, दैट इज वायरस प्रोटेक्शन. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में. द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम. हमारे पास ट्रांसमिशन मोड्स आते हैं, ठीक है ना, कम्युनिकेशन मोड्स आते हैं या ट्रांसमिशन मोड्स आते हैं. सपोज यहाँ पे सेंडर है और यहाँ पे रिसीवर है. अगर हम डेटा एक ही डायरेक्शन में सेंड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंप्लेक्स मोड. अगर हम डेटा को दोनों डायरेक्शंस में ट्रांसफ़र कर पाते हैं लेकिन एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन में कर पाते हैं, जैसे वॉकी टॉकी की एग्जांपल, पहले हमें यहाँ से बात करनी होती है तब जाके हम वहाँ से बात वापस रिसीव कर सकते हैं. बात समझ में आ रही है? अगर हम क्या करेंगे, दोनों डायरेक्शंस में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन एट अ टाइम खाली एक डायरेक्शन में जा सकता है, उसको हम बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड. अगर दोनों डायरेक्शंस में एट अ टाइम डेटा फ्लो करेगा तो उसको हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स मोड, ठीक है. लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे, हमें क्या पूछा गया है, डेटा जो है वो दोनों डायरेक्शंस में तो ट्रांसफ़र हो रहा है लेकिन वन एट अ टाइम की बात हो रही है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हाफ डुप्लेक्स. ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में. द लेंथ ऑफ एन IPv4 एड्रेसेस. IPv एड्रेस जो होता है ना, इट इज़ सिंपली वन ऑफ द इसको हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस, ठीक है ना, लॉजिकल एड्रेस, ठीक है. अब हमें IPv4 एड्रेस की लेंथ बतानी है. द लेंथ ऑफ IPv4 एड्रेस इज 32 bit. ओके, 32 bit. ओके, लेकिन अब IPv4 धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो चुका है. अब हम IPv6 एड्रेसेस का स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है ना. तो अब अगर आप देखोगे ना, विद द हेल्प ऑफ दिस IPv4 एड्रेस जिसमें 32 बिट्स का इस्तेमाल होता है, इससे हम कितने यूज़र्स को IP एड्रेस दे सकते हैं एट अ टाइम, दैट इज़ 2^32. इतने इंटरनेट के यूज़र्स को हम एट अ टाइम IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं. अगर इससे ज़्यादा एक भी यूज़र हुआ नेटवर्क पे तो हम IPv4 एड्रेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, विच बिकम्स द मोटिवेशन बिहाइंड द इमर्जेंस ऑफ IPv6. बात समझ में आ रही है? तो IPv4 क्या होता है, 32 बिट एड्रेस होता है और उसको हम लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं. और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. वो क्या चीज़ है वो हम किसी क्लास में डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 21 सेज अस दैट द लेंथ ऑफ IPv6 एड्रेस इज. अब अभी मैंने आपको लेंथ बताई IPv4 की, अब आपको IPv6 की लेंथ बतानी है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 128 bit. ये JKPSI के रिसेंट वाले एग्जाम में आया हुआ था. आपको IPv6 एड्रेस की लेंथ बतानी थी. इट इज़ मेड अप ऑफ 128 bits. और इससे हम कितने यूजर्स को एट अ टाइम IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं, दैट इज 2^128, एंड इट इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर. इतने यूजर्स को हम IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं. समझ में आ रही बात? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. द लेंथ ऑफ MAC एड्रेस इज. अब MAC क्या है, जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया IP एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है, वैसे ही MAC क्या है, MAC एक फिजिकल एड्रेस है. MAC क्या है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस. ओके, फिजिकल एड्रेस. ओके, अब एक एब्रीवेशन आप मुझे बताइए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MAC, ये आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएंगे. अब अगर हम इसके लेंथ की बात करेंगे, द लेंथ ऑफ MAC एड्रेस इज 48 bit. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, और
इस 48 बिट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जनरली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर से, ठीक है ना, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। आप मोबाइल पे भी अपना मैक एड्रेस देख सकते हो, वहाँ पे वो ऐसे आपको देखने को मिलेगा 1A.2B. लाइकवाइज ऐसे करते करते, ठीक है ना। सो इसको हम जनरली हेक्साडेसिमल फॉर्मेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। द स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन, आपको बताना है हार्ड डिस्क की स्पीड हम किस में मेजर करते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रेवोल्यूशंस पर मिनट। ओके, रेवोल्यूशंस पर मिनट। अब ये रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसके पीछे भी एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आप हार्ड डिस्क का आर्किटेक्चर देखोगे ना, वो बनी होती है प्लेटर्स की, प्लेटर एक दूसरे के ऊपर प्लेटर्स होते हैं और ये कनेक्टेड होते हैं, बीच में एक स्पेंडल होती है जो कि कंटिन्यूसली रोटेट कर रही होती है, या तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में या तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, लेकिन एक ही डायरेक्शन में ये मूव करता जाता है, ठीक है ना। और इसी से हम क्या करते हैं, हार्ड डिस्क की स्पीड को मेजर कर पाते हैं, दैट इज रेवोल्यूशंस पर मिनट। ओके ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर 0101, आपको क्या निकालना है, 0101 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब ये टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे समझाने की कोशिश करूँगा, और अगर इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो हम कभी ना कभी आने वाले क्लासेस में करेंगे। सबसे पहले अगर ये हमारे पास एक नंबर है, अगर हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट सिंपली होता है, हमें बिट्स को फ्लिप करना है। फ्लिप करना मतलब हो गया जीरो को वन बनाएंगे, वन को जीरो बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम वैसा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट इसका क्या आएगा, 1 0 1 एंड 0। अब अगर हमें इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी वंस कॉम्प्लीमेंट में रिजल्ट निकला इसको ऐड करेंगे वन, इसको ऐड करेंगे वन, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 1 0 एंड 1। सो इसका ये क्या बन जाएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर बन जाएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1011। अब ये टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जब भी हमें नेगेटिव नंबर्स के साथ डील करना होता है कंप्यूटर्स में, ठीक है ना। ओके, तो वहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के टाइम पे रिजल्ट कभी कभी हमें गलत मिलता है अगर हम टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन को हमने बनाया ही इसीलिए है ताकि हम नेगेटिव नंबर्स के साथ डील कर सकें, ठीक है। ओके, इसके बारे में फर्दर एक्सप्लेनेशन किसी और वीडियो में आ जाएगी। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, दैट इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स दैट टेल द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन इज नोन एज, आपको बताना है एक ग्रुप ऑफ बिट्स का हम इस्तेमाल करते हैं जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन कोड, ठीक है ना, ऑपरेशन कोड या इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है ना, ऑप कोड भी बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन कोड भी बोलते हैं, ऑपरेशन कोड भी बोलते हैं, वट एवर वुड हैव बीन मैंशनड इन द ऑप्शंस, हमें उसी को मार्क करना था। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कोड मैंशन करके हैं तो हमें इसी को क्या करना है, मार्क कर लेना है। मतलब जब भी हमारे पास कोई सपोज़ मैं यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज की एक लाइन लिख लेता हूँ, एड एक्स कामा वाई, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स कोई डेटा है, सपोज़ मैं मान के चल रहा हूँ वाई कोई डेटा है, और इस पर हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर लेना है, ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कर लेना है। और ऐड के लिए भी हमने क्या किया होगा, एक बाइनरी नंबर का सीक्वेंस कोई ना कोई यूज़ किया होगा जो कि हमें समझाएगा, जो कि कंप्यूटर को समझाएगा कि हमें एडिशन करना है। सपोज़ एडिशन के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 011, तो जब भी कंप्यूटर देखेगा 011 की सीक्वेंस ऑपकोड के फील्ड में, तो उसको समझ में आ जाएगा कि हमें एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और ये एडिशन ऑपरेशन कहाँ पे किस पे परफॉर्म करना है, इस वाले एक्स और वाई पे परफॉर्म करना है। इनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑपकोड और इसको हम बोलते हैं ऑपरेंड, ठीक है। तो ये जो है ना इंस्ट्रक्शन कोड हमें बताती है कि हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर लेना है, समझ में आ रही बात। तो होपफुली आज के 25 ऑब्जेक्टिव्स या MCQs आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है, आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और आने वाले क्लासेस में उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड डू हिट द लाइक बटन अगर आपको सेशन अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।